नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23, 24 और 25 फरवरी के आपके राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी अष्टमी बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरीके करें। तो आए दोस्तों, के साथ बात करते हैं यश में। ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन 3 दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी ज्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, 23 फरवरी की बात करें तो दोस्तों ये दिन बुधवार का दिन रहेगा। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। विशाखा नाम का नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों, दिन योग की बात करें तो दोस्तों ध्रुव नाम का शुभ योग और व्याघात नाम का शुभ योग रहने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों, दिन राहु काल के समय की बात करें अर्थात अशुभ समय की, दोस्तों ध्यान रहे आप यश में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को भूल से भी ना करें। तो दोस्तों, यह समय रहेगा दोपहर के 12:40 से लेकर दोपहर के 2:06 तक। और दोस्तों, चंद्रमा दिन तुला राशि के उपरांत वृश्चिक राशि में संचार कर जाएंगे। वही दोस्तों, अगले दिन की बात करें तो दोस्तों इस दिन गुरुवार का दिन रहेगा। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी और दोस्तों इस दिन अनुराधा नाम का नक्षत्र रहेगा। साथ दोस्तों, इस दिन योग की बात करें तो दोस्तों इस दिन वज्र नाम का शुभ योग रहने वाले हैं और राहु काल का समय दोपहर के 2:06 से लेकर शाम के 3:32 रहेगा। और दोस्तों, चंद्रमा दिन वृश्चिक राशि पर ही संचार करेंगे। वही दोस्तों, आखिरी दिन 25 फरवरी की बात करें तो दोस्तों ये दिन शुक्रवार का दिन रहेगा। नौमी तिथि और ज्येष्ठा नाम का नक्षत्र के साथ ही इस दिन दोस्तों सर्वार्थ सिद्धि नाम का शुभ योग रहने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और राहु कल के समय सुबह के 11:14 से लेकर दोपहर के 12:40 रहेगा। और दोस्तों, चंद्रमा दिन वृश्चिक राशि के उपरांत धनु राशि में संचार कर जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं 3 दिनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, इन दिनों में यह आपके लिए बदलाव की अवधि है, लेकिन यह छोटे महत्वहीन परिवर्तनों की तरह नहीं है। जिस तरह से आप अपने सहयोगियों और सहकर्मियों से व्यवहार करते हैं वो भी यश में बदल सकता है। यश में आप कुशल बने और यह एक संगठित जीवन शैली के माध्यम से साफ दिखाई देगा। दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिव को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में दूसरों को सही समय पर जो है भुगतान कर दें, तभी आप अपनी सेवाओं के लिए जो है समय पर भुगतान पाने की उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों, इन दिनों में आप सीखें कि छोटे छोटे अनुग्रह से भी उत्तमता की ओर जाया जा सकता है। दोस्तों, आप अपने काम और व्यवहार में कुशल बने। साथ ही दोस्तों, ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में, आपको कुछ नए मामलों की जानकारी मिलने का समय हो सकता है जिस ओर अभी तक आपका ध्यान नहीं गया होगा। दोस्तों, आपके लिए ये जो समय होंगे नए चैलेंज लेने का समय होगा। कुछ मामलों में आपको थोड़ी बहुत चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपके ऊपर ये जो दिन होंगे दोहरी जिम्मेदारी भी आ सकती है। कुछ लोग जो है नया काम शुरू करने का इन दिनों में मन बना सकते हैं। नए काम के लिए ये जो दिन होंगे अनुकूल समय होगा। वहीं दोस्तों, करियर की अगर बात करें तो जॉब में परिवर्तन या फिर ट्रांसफ़र के योग बन रहे हैं। दोस्तों, नई जिम्मेदारियाँ आपके लिए इन दिनों में चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह समय उन लोगों के लिए समय काफ़ी व्यस्त हो सकता है जो ग्राहकों के साथ परामर्श या फिर काम करते हैं। दोस्तों, यह समय आपका दिन जो है आश्चर्य से भरा रहेगा। जीवन में आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा आपको परेशान कर सकती है। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे पारिवारिक दोस्ती और रोमांटिक रिश्ते विकसित होंगे। दोस्तों, जीवन की हर परिस्थिति में मुझे के बजाय हमें बुलाएं यह आपके लिए बुद्धिमानी होगा। वहीं दोस्तों, इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे आपकी शादी को आपकी कंपनी में काफ़ी सुरक्षा और सुकून का एहसास होगा। दोस्तों, यह समय अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो ये जो समय होंगे आपके लिए आपको नींद ना आने की समस्या हो सकती है। माइग्रेन के रोगियों के लिए ये जो समय होंगे सावधान रहना होगा। साथ ही दोस्तों, इन दिनों में किसी का स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। बिगड़ती जीवन शैली को सुधारने के लिए आप जो है अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। दोस्तों, यह समय आपका भाग्यशाली रंग रहेगा।
नीला और भाग्यशाली अंक रहेगा 9। दोस्तों इन दिनों में गणेश जी आपको संबंधों की देखभाल करने के लिए कहते हैं। अपने सगे संबंधी और बुजुर्गों के लिए यह समय जो है थोड़ा समय आप जरूर निकालें, ऐसा गणेश जी कहते हैं। विपरीत लिंगी व्यक्तियों के साथ आपके संबंध तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संपर्क बनाए रखने की आवश्यकता आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका यह समय अदा कर सकती है। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी धन को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय आपको विभिन्न विशेषताओं वाले लोगों से डील करनी पड़ सकती है। यह समय काम में दूसरों के साथ जो है व्यवहार करते समय अपनी बुद्धि का उपयोग करें। आप जो है अपने लिए नए रास्ते तलाश सकते हैं और दोस्तों उसमें आप सारी ऊर्जा लगा सकते हैं। वहीं दोस्तों महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। दोस्तों यह समय आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो आप अपने जीवन साथी पर ध्यान दे सकते हैं इन दिनों में। इसके अलावा ये जो दिन होंगे आपके लिए अपने साथी के साथ सौहार्दपूर्ण समय का आप आनंद लेंगे। कुल मिलाकर ये जो दिन होंगे आपके लिए ये प्यार के मोर्चे पर अच्छा जाने वाला है। साथ ही दोस्तों इसमें अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो आप एक पार्टी करना इसमें चाह सकते हैं या फिर आप खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए महंगे कपड़े खरीदना चाहेंगे ताकि दोस्तों जब आप दूसरों से मिलें तो वो आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हो। साथ ही दोस्तों इन दिनों में गणेश जी को लगता है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल का उपयोग जो है अन्य लोगों के साथ कुछ मुद्दों को हल करने के लिए करना चाहिए। हालांकि आपको ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इससे आप जो है थक सकते हैं, बल्कि दोस्तों ये जो समय होंगे कम बोलकर और कम सोचकर जो है अपनी ऊर्जा बचाने की आप कोशिश करें। दोस्तों इन दिनों में ज़िंदगी का भरपूर आप लुत्फ उठाने के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को काबू में रखें, योग का सहारा लें जो आध्यात्मिक मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रखकर दिल और दिमाग को बेहतर बनाता है। दोस्तों इसमें प्रॉपर्टी से जुड़े लेन देन पूरे होंगे और लाभ पहुंचाएंगे। अपने बच्चों के साथ एक दोस्ताना रिश्ता इसमें विकसित करें। पुरानी बातों को छोड़कर आगे आने वाले अच्छे वक्त की ओर देखें, आपकी कोशिश फलदायी साबित होगा। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें कि अपने कार्य क्षेत्र में धन लाभ एवं निरंतर सफलता प्राप्त करने के लिए घर में बनने वाली पहली 3 रोटी गाय कुत्ते पक्षियों के लिए निकालकर उन्हें घी और हल्का मीठा लगाकर देने से सदैव लाभ ही लाभ होती है। बुधवार को गाय को हरी सब्जी एवं गुरुवार को प्रातः तुलसी में थोड़ा कच्चा दूध डालने से आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों इन उपायों को आप यश में करें। इसके उपरांत ही हमेशा याद रखें कि जिस घर में संध्या के समय लोग सोए रहते हैं, घर के धर्म स्थान में संध्या को धूप अगरबत्ती नहीं जलाते हैं, उस समय झाड़ू लगाया जाता है, उस समय घर में लोग कोलाहल करते हैं, नाखून काटते हैं, ऐसे घर में लक्ष्मी हमेशा रुष्ट रहती है, उस घर में हमेशा आर्थिक संकट रहता है, लाख प्रयत्न करने के बाद भी वहाँ पर पेशा कभी नहीं टिक पाता। तो दोस्तों इनसे आपको इसमें बचना चाहिए। तो दोस्तों इन उपायों को आप इसमें जरूर करें, ये आपके लिए लाभकारी और भाग्यशाली साबित होंगे। और साथ ही दोस्तों और ऐसे ही अधिक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।